नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। इस समय लहरियासराय स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कैसा काम हो रहा है ये तस्वीर बताने के लिए काफी है, कि क्योंकि अब ये लहरियासराय स्टेशन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले दिखता था। यहाँ पर एक गड्ढा देखिए पहले दिखाई देता था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की शक्ल ले रहा है। और ये देखिए पुराना जो भवन है इसका सर्कुलेटिंग एरिया थोड़ा पीछे चला गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए डस्ट बिछाया गया है और डस्ट के साथ अब ये स्लीपर बिछा करके इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी स्टेशन, और ये नया रंग नए अवतार में नजर आएगा कुछ दिनों के बाद, यानी कि ज्यादा समय नहीं है, एक हफ्ते के अंदर। इसका अगर उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर ये जो है ट्रैक तैयार हो जाएगा और प्लेटफॉर्म नंबर 1 तैयार हो जाएगा, दिखाई देगा। और यही वो स्टेशन है दोस्तों जो पहले जो है वो थोड़ा आगे होता था, लेकिन अब थोड़ा पीछे चला गया है, चूंकि एक नया ट्रैक बना है और बीच में दो नए ट्रैक, दो जो है वो मेन लाइन हो गई और दो जो उधर सेकंड नंबर का प्लेटफॉर्म हो गया। और इधर देखिए डस्टिंग का काम हो रहा है और इसमें क्रेन पर दिखाई दे रहा है इमरजेंसी ऑन रेलवे ड्यूटी। और इस तरीके से देखिए किस तरह से काम जो है हो रहा है, डस्ट का काम होगा, उसके बाद स्लीपर होगा, फिर साथ के साथ ट्रैक भी बिछाया जाएगा। तो उस तरफ से ट्रैक और स्लीपर दोनों बिछाते हुए आगे आ रहे हैं। और इस तरह से देखिए किस इस तरह से मंजर दिखाई देता है लहरियासराय स्टेशन का अभी फिलहाल, और लॉकडाउन का के बाद जो है यहाँ पर जो वीराना था उस वीराने को, उस सन्नाटे को यहाँ के काम ने के शोर ने तोड़ दिया है। यात्रियों की ट्रेन तो नहीं है, लेकिन जो काम है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके का काम हो रहा है, और काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। और इसका फायदा, लॉकडाउन का फायदा जो है रेलवे ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है अभी, और मूवमेंट नहीं होने के कारण जो है ब्लॉक आसानी से मिल जा रहा है, और ब्लॉक लेने के बाद काम को इस रफ्तार से किया जा रहा है। तो ये कुछ तस्वीर है जो आप जो दूर देश में हो या दूर दराज के हो, आप देखिए और समझिए कि किस तरह से तस्वीर लहरियासराय स्टेशन की बदल रही है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर प्लास्टर का भी काम हो गया है, और यहाँ से जो है वो नया भवन भी दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, डबलिंग भी है, लाइन है, कुल मिलाकर के जो है वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है कि काफ़ी कुछ बदल गया है। और उम्मीद है कि एक हफ्ते में ये लाइन तैयार हो जाएगी और ये स्टेशन जो है वो सुंदर होगा, भव्य नजर आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, अब देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।